कहिए मंत्री भवानी सिंह। महाराज, तुम जिस काम के लिए गए थे कोई लड़की तुम्हें मिली या नहीं मिली? महाराज, लड़की मिल गई है, अगर इजाजत हो तो लड़की आपके समक्ष पेश किया जाए। महाराज, भवानी सिंह चाहो उस लड़की को लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा राजा। सिपाही जाओ ले आओ उस लड़की को। महाराज ये रही लड़की। लड़की वैसे भवानी सिंह लड़की देखने में तो अच्छी है। महाराज एकदम बाल्टी फुल है। चुप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। डरो नहीं, तुम हमारे सामने आओ। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम है चमेली। चमेली, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? महाराज मैं आप ही के खैरागढ़ रियासत की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में है नहीं। क्या तुम्हारे माता पिता इस संसार में जीवित नहीं है? तुम महाराज ये बताओ कि तुम ये शादी हमारे साथ अपने मर्जी से रचाने के लिए आई हो या कि लोगों ने तुम्हारे ऊपर कोई दबाव डाला है? नहीं महाराज, इन्हों लोगों ने नहीं महाराज, हम लोग दबाए के नहीं लाए। क्या मतलब कोई दबाव नहीं डाला, अपने मर्जी से। महाराज हम लोगों ने जोर दबाव नहीं डाला। महाराज भवानी सिंह मैं उस लड़की से पूछ रहा हूँ। दबाए के हम थोड़ा लाएंगे, दबाव डाल के नहीं लाएंगे। बोलिए। महाराज इन लोगों ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैं अपनी मर्जी से अपनी शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ अपनी शादी रचाना चाहती हो तो ठीक है, प्रभु का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। चमेली तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भवानी सिंह महाराज देखो राजमहल में दासियां होंगी, उन्हें बुलाकर हमारे पास ले आओ। का पशियन का? चुप। अरे दासी नौकरानी। दासी हम कहीं पासी। जा बुलाकर ले आओ। दासी को बुलाओ जाए भाई, जरूरत हो। महाराज आइए, दासी हाजिर है। दासी तुम इन्हें अपने साथ राजमहल ले जाओ और इनका 16 श्रृंगार करा के इन्हें तैयार करो, हम इनके साथ अपना विवाह रचाएंगे। जी महाराज। चाओ चमेली चाओ। भवानी सिंह महाराज शादी की पूरी तैयारी की जाए। क्यों नहीं राजा? लेकिन शादी के पहले हमारे बहादुर सेनापति रणधीर सिंह को फोन कर दो, वो आकर के इस लड़की के चालो चलन को अच्छी तरह से देखभाल ले, समझ ले, तब उसके बाद हम अपना विवाह रचाएंगे। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं रणधीर सिंह को इसी वक्त फोन करके सीमा सरह से बुलवा लेता हूँ। क्यों नहीं, आप घबराए नहीं। और सिपाही शादी की पूरी तैयारी करो, शादी में किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। कोई कमी नहीं होगी। चलिए महाराज पूरी शादी हम तैयारी करेंगे, जिस तरह आपकी पहली शादी हुई है उसी तरह ऐसी शादी होगी। हाँ, लेकिन हमारे बहादुर सेनापति रणधीर सिंह को अवश्य बुला लेना, शादी के पहले उनका आना बहुत जरूरी है। अब हम फोन कर रहे हैं महाराज। ठीक है, चलिए आप लाओ मोबाइल। लाओ क्या बे? मोबाइल क्या होगा बे? फोन करी साहब। मोबाइल है। हाँ मोबाइल लाओ, साहब को फोन करी। सिपाही हाँ, रणधीर सिंह को फोन नहीं करना है। कहे अगर ते रणधीर सिंह यहाँ आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये चमेली के चालो चलन को पहचान लेगा, इसे हम रणधीर सिंह को फोन करेंगे। लेकिन इस वक्त नहीं, शादी हो जाने के बाद। लेकिन अगर महाराज पूछेंगे कि सेनापति को फोन किया या नहीं किया तो? अबे हम लोग झूठ बोलेंगे। झूठ बोल रहे हो? सम्राट से झूठ बोल देंगे कि फोन लगाया है, हमसे और रणधीर सिंह से वार्ता नहीं हो पाई।
शादी हो जाएगी, उधर अपना काम बन जाएगा। आइए हम चलते हैं और देखो कि सम्राट की शादी किस तरह होती है और सुहागरात भवानी प्रताप सिंह किस तरह मनाता है। बताओ क्या है? सेनापति का न बोले हो, महाराज कहे कि शादी की तैयारी करना चाहिए। हाँ। बाजा गाजा खरक पड़ी ना खरक पड़ी। सिपाही तुम ठीक कह रहे हो, जाओ इसी वक्त तुम बाजा कर लो। कौन बाजा? अरे चले जो डीजे बैंड बाजा है। बैंड बाजा ना करो यार, फिर बैंड बाजा वो 25-30 मनई खवावे में लागे थे। एक मनई वाला बाजा करो। क्या? स्टैंडर्ड बाजा। कौन सा बाजा है? बहुत ऊंचा बाजा, एक मनई वाला, मारे गर्दा मई मचा दे। अबे एक आदमी का स्टैंडर्ड बाजा कौन सा बाजा है? बहुत बढ़िया बाजा। कौन सा बाजा? बाजा करो डफाला। क्या साले गया करने जाना है, डफला लेकर जाओगे तो फिर कौन? महाराज की शादी है। बैंड बाजा डीजे वगैरह कर लो, ठीक सब तैयारी करो। बैंड बाजा? हाँ हाँ, बाजा वाले सारे खाली नहीं मिलते, उनका कह लिया। चले जाओ निधुकपुरवा। निधुकपुरवा वहाँ है बाजा वाला। निधुकपुरवा वहाँ? हाँ भैया से ना से बात कर लेना। ओके बाजा, बाजा से भाई बजता, बहुत अच्छा बाजा उसका बजता है। पहले हम ओका बजा के देखब तो फिर लो। हाँ निधुकपुरवा में एक भाई भी है। हाँ। उसको भी कर लेना, सबको बजा कर और चेक करके ले आना। मैं चल रहा हूँ। हम आप लोगों से का बताई भाई, अब आप लोग तो हमको ना जानत हुए हो कि हम कौन हैं। हम अपना परिचय आप लोगों से बताना चाहते हैं बाबू। भैया हम यही खैरागढ़ रियासत के गरीब इंसान बंसु बहेलिया है बाबू। हम चिड़ियों का शिकार करते हैं और उसी से अपने घर का खर्च चलाते हैं बाबू। मैं क्या करूं, बहुत गरीब इंसान हूं। आजकल हमारी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, चलने फिरने से भी रहित हो चुका हूं, शिकार भी नहीं कर पाता हूं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आज हम अपनी बीती हुई कहानी हम आप सबको बताना चाहते हैं बाबू। भैया आज से 20 साल की कहानी है। हमारी पत्नी वो काफी बीमार रहती थी बाबू। इलाज कराने के लिए हमारे पास एक भाई नहीं था बाबू, बहुत मजबूर था भैया। लेकिन मैं क्या करूं, जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत खेती थी उसे बेचकर हम अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया बाबू। लेकिन क्या करूं, भगवान को मंजूर नहीं था। मेरी पत्नी एक बेटी का जन्म देकर वो भगवान को प्यारी हो गई बाबू। मेरी बेटी सांवरी सयानी हो गई है, शादी योग हो चुकी है। मैं यही सोचता हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, हम अपनी बिटिया का शादी करके उसे ससुराल भेज दें। लेकिन जब भी मैं किसी से शादी की बात चलाता हूँ तो सबसे पहले लोग दहेज की बात करते हैं। भैया आजकल का जमाना बहुत खतरनाक, खाने के लिए घर में एक दाने नहीं है तो हम दहेज कहाँ से पाएं? तो अपनी बिटिया की हम शादी करें? या मेरे मालिक, या मेरे भगवान, किसी को गरीबी दे लेकिन बदनसीबी न दे मेरे मालिक, जैसा कि आज मुझको दिया है। हे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ, हे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, घनश्याम
चले राम चले आओ घनश्याम चले या मेरे मन मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता बेटी सावरी बिटिया सावरी तुम कहाँ हो मेरे पास बिटिया बापू बिटिया बापू बिटिया बैठ गमगीनी क्या सोचते हो पिता बैठ गमगीनी क्या सोचते हो पिता सोचते हो पिता बात क्या है पिताजी बयां कीजिए बात क्या है पिताजी बयां कीजिए करने आखेट जंगल न जाओगे क्या भोजन तैयार है चल कर कर लीजिए भोजन तैयार है चल कर कर लीजिए बापू बिटिया आप बैठ कर क्या सोच रहे हैं इतना उदास क्या बातें उदासी का कारण बताइए पिताजी बिटिया तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो हाँ बापू कि हम काहे के इतना उदास रहे थे बिटिया हाँ बापू तो सुनो बिटिया अरे क्या बताऊं क्या बताऊं तुम्हें बेटी मैं सांवरी मैं सांवरी सारी चिंता तुम्हारी सगाई की है हाँ बिटिया सारी चिंता तुम्हारी सगाई की है बिटिया अब बुढ़ापे मैं आके होता नहीं बिटिया सांवरी अब बुढ़ापे मैं आके होता नहीं दूसरी चिंता अपनी कमाई की है दूसरी चिंता अपनी कमाई है बिटिया सांवरी मैं रातों दिन यही सोचता रहता हूँ कि अब मैं चलने फिरने से भी रहित हो चुका हूँ शिकार भी कुछ नहीं कर पाता बेटी एक पाई मैं कहीं से कमा नहीं सकता तो मैं तेरी शादी कैसे कर पाऊंगा बिटिया
मैं इसी सोच में रातों दिन पड़ा रहता हूँ। शादी की मेरे चिंता ताना करो, शादी की मेरे चिंता पिता ना करो, एक दिन बिगड़ी दुनिया संवर जाएगी। पर जाएगी करे आखेटी जंगल ना जाओ बच्चा, करे आखेटी जंगल जलू साथ दे, गरीबी के एक दिन समर जाएंगे, गरीबी के बापू आप मेरी शादी की चिंता न करें, ईश्वर चाहेगा तो एक दिन शादी हो जाएगी। और आज के बाद आपके साथ आखेट करने मैं चलूंगी, क्या एक बेटी का हक नहीं बनता कि अपने पिता का हाथ बटाए। बापू बिटिया तुम ठीक कहा थो बिटिया, लेकिन कौन बाप ऐसा है कि जेके घर में जवान बिटिया बैठ होए ओए का शादी का चिंता न होए। बिटिया हम तो रातों दिन नहीं चिंता खाए जाते बिटिया कि तुम सयान हो चुकी हो, जुग जमाना बहुत खराब लाग गया बिटिया, आजकल केहू के ऊपर भरोसा नहीं लगे। हाँ पिताजी आपकी बात मानती हूँ, अगर मेरे कोई भाई होता तो आपका सहारा बनता, मैं आपकी बेटी हूँ तो आपका सहारा मैं हूँ पिताजी, आपके साथ आज से मैं शिकार खेलने चलूंगी। भगवान या भगवान, जब मैं छोटी थी तूने बचपन में मेरी माँ को छीन लिया, सिर्फ मेरे बापूजी मेरी जिंदगी के सहारा के लिए हैं, तू बाप बेटी से किस जन्म का बदला ले रहा भगवान। पिताजी दुनिया में कितना गम गए, मेरा गम कितना कम गए, दुनिया में कितना गम गए, मेरा गम कितना कम गए, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई, दुनिया में कितना गम गए, मेरा गम कितना कम गए। शायद ही खुश रहते हैं, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, हर घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है।
लिए। हाँ नागेश, जैसे कि हर अमावस्या की रात हम लोग अपने नागलोक से चलकर मृत लोक आते हैं। क्यों नहीं नागेश? खैरागढ़ राज रियासत के अंदर हिमगिर पर्वत है, जहाँ पर मानसरोवर है, और उसके मानसरोवर के अंदर करामाती फूल है। हम लोग मानसरोवर में स्नान करके करामाती फूल की पूजा करके इस मृत लोक से अपने नागलोक को चले जाते हैं। हाँ, आज भी अमावस्या की रात है, हम लोग अपने नागलोक से मृत लोक चलते हैं। क्यों नहीं नागेश? और उसी तरह मानसरोवर में स्नान करके फूल की पूजा करके अपने नागलोक को वापस चले जाएंगे। हाँ नागेश, आओ प्रिय, हम लोग चलते हैं। चलिए नागेश। सिद्धि प्राप्त कर लिया है। क्यों नहीं गुरुदेव? योगिनियों को मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। क्यों नहीं गुरुदेव? हमें सर्व सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, हम मनचाहा काम कर सकते हैं। जी गुरुदेव। लेकिन हम जापान मुल्क के अंदर रह करके आज हमारा दिल ऊब चुका है। हम देखना चाहते हैं कि संपूर्ण भूमंडल के अंदर कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे को प्राप्त हो जाए, वो सारी दुनिया में मेरा नाम हो और दुनिया का बेताज बादशाह मैं बन जाऊं। निकाल हमारी मायावी शीशे को निकाल। ये महाकाल के काल रूपड़ी चौसठ योगनी नौ जाली बहत्तर खंड भयम रक्षा दो जयात। ये क्या दिखलाई दे रहा है? क्या दिखलाई दे रहा गुरुदेव? हमारे जाति आईने में हिंदुस्तान की तस्वीर दिखलाई दे रही। क्या हिंदुस्तान की तस्वीर? मुल्क़े हिंदुस्तान के अंदर शहर खैरागढ़ रियासत है, और खैरागढ़ रियासत के अंदर एक हेमगिरी पहाड़ी है, और पहाड़ी के साइड में एक मानसरोवर है, और उस सरोवर के अंदर एक फूल ऐसा फूला हुआ है जिसके ना तो जड़ दिखलाई दे रही ना पत्ते। हमें लगता है ये करामाती फूल है। क्यों नहीं गुरुदेव? कौन व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है गुरुदेव? और यहाँ तो एक नाग और एक नागिन भी आ गए हैं। क्या नाग नागिन आ गए? ओह नो, ये शलानाग का बच्चा सरोवर में कूद करके और ये दोनों पूजा करने लगे। और देखो देखो देखो, ये नाग अपनी मणि को निकाल करके फूल में छिपा रहा है। जी गुरुदेव। ओह, अगरचे ये मणि और करामाती फूल मेरे को मिल जाए, फिर क्या होगा गुरुदेव? तो मैं एक दिन सारी दुनिया पे अपना अधिकार जमा सकता हूँ। क्यों नहीं गुरुदेव? हे, हमारे आईने को झोली के अंदर रख,
जी गुरुदेव। और हम आज ही यहाँ से निकल करके चलेंगे। ये साले हमेशा की रात को आते हैं, क्योंकि जो रूप मेरे को दिखलाई दिया है वो वहाँ के हमेशा की रात है हिंदुस्तान की, इसलिए हम हमेशा की रात को ही वहाँ पहुँचेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? और करामाती फूल मणि को हासिल करने के लिए हम मानसरोवर में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे देखते ही देखते एक चिड़िया जब मानसरोवर में गिरी तो साली पत्थर की हो गई। जी गुरुदेव। लेकिन हम इतनी कच्ची गोली नहीं खेलेंगे। फूल और मणि को प्राप्त करने के लिए हमें नाग और नागिन को अपने पिटारे में बंद करना हो। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ, हम अगला डेरा हिंदुस्तान की नापाक धरती पे डालेंगे। जी गुरुदेव। और उस नाग और नागिन को अपने कब्जे में करके साले नागराज की मणि और फूकरामाती फूल को अपने कवरेज में करेंगे। क्यों नहीं गुरुदेव? आओ हमारे साथ। चलिए गुरुदेव। जय भैरोनाथ की। जय भैरोनाथ।